हेलो दोस्तों, हम लोग देखेंगे 3D Max 2017 में पर्सपेक्टिव में हम लोग बैकग्राउंड कैसे सेट करेंगे और बैकग्राउंड में पर्सपेक्टिव मैच कैसे कराया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले जाना पड़ेगा इधर पे, बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा पहले हम लोग को। इसके लिए हम लोग को सबसे पहले रेंडर में जाके जिसका एनवायरमेंट सेटिंग में हम लोग एक बैकग्राउंड ले लेंगे। इधर मैंने नन पे मैंने क्लिक किया, ये मेरा बिटमैप ऑन हो गया और बिटमैप में मैं अपना इमेज लूंगा। ओके, मैंने अपना इमेज ले लिया। इमेज को एक बार मैं रेंडर करके चेक कर लेता हूँ वो प्रॉपर। ओके, ये प्रॉपरली सेट नहीं हुआ है अभी तक। इसके लिए मुझे डालना है मटेरियल में, मिल गया। इसका बैकग्राउंड में इसको मैं स्कैन लाइन रेंडर, पहले मैं रेंडर सेटअप कर लेता हूँ और फिर यहाँ से एनवायरमेंट से मैं खींच के इसमें लेके आ रहा हूँ मटेरियल एडिटर में। इंस्टेंस लेना है हमें। ओके, ये देखिए इसके अंदर जब सेटिंग में जाते हैं यहाँ पर ये स्फेरिकल एनवायरमेंट में सेट होके रखा है, इसको मुझे स्क्रीन कर लेना है। ये देखिए ये फ्लैट हो गया अभी। अभी मैं इसको रेंडर करके चेक करता हूँ, इसमें लाइटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ गई है। इधर पे लाइटिंग नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो ये है एक्सपोजर कंट्रोल में, इधर पे कैमरा पहले सेट होके रखा है तो इसको मैं नो एक्सपोजर कंट्रोल पे सेट कर देना है। अभी रेंडर करके चेक करते हैं, ये देखिए पूरा परफेक्ट अभी आ गया। ओके, अभी ये हमारा एनवायरमेंट में सेटिंग हो गया, मगर अभी तक ये व्यूपोर्ट में सेट नहीं हुआ है। व्यूपोर्ट में सेट करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, व्यू में जाके व्यूपोर्ट बैकग्राउंड में कॉन्फिगर व्यूपोर्ट बैकग्राउंड या फिर अल्ट भी यूज कर सकते हो, अल्ट बी। ओके, इस तरह से ये विंडो खुल जाएगा। ओके, सबसे पहला ऑप्शन है यूज द यूजर इन द इंटरफेस विद द ग्रेडियंट कलर, ये तो नॉर्मली डिफॉल्ट अभी पहले से होके रखा है, या फिर सॉलिड कलर पर रखना है तो एकदम एक सॉलिड कलर में आ जाएगा। और यूज एनवायरमेंट बैकग्राउंड, मुझे एनवायरमेंट का बैकग्राउंड यूज करना है। ओके, तो फिर इसको ओके करते हैं। ये देखिए एनवायरमेंट का बैकग्राउंड यहाँ पर आ गया। ओके, अभी मुझे इसका पर्सपेक्टिव मैच करना है। अभी ये मेरा पर्सपेक्टिव ऐसे होके रखा है, मुझे प्रॉपरली इसके बराबर ऑन करना है, मगर ऐसे हाथ से करने में प्रॉपर मैच नहीं हो पाएगा। इसके लिए 3D Max 2017 में दिया हुआ है पर्सपेक्टिव मैच करके ये कमांड। ओके, इसके अंदर है ये बटन शो वेनिशिंग लाइन, तो इस पर क्लिक करना है। इस तरह से ये रेड कलर की जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और जो ब्लू कलर की लाइन है ये Z एक्सेस है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन्स है वो है Y एक्सेस। ओके, तो अभी इसको मुझे सेट करना है एक्सेस पे, तो मैं इसको कर रहा हूँ। जमीन के साथ मैं टच कर रहा हूँ, मुझे फ्लोर मुझे चाहिए, फ्लोर पे मुझे ऑब्जेक्ट को सेट करना है। ओके, और ये है दीवार का, दीवार पे भी मैं ऐसे सेट कर सकता हूँ, ये वाले दीवार पे फिर बीम पे भी मैं ले सकता हूँ, बीम की लाइन अगर मुझे प्रॉपर दिख रही है तो। जो चीज़ें प्रॉपर नहीं दिख रही वहाँ पर सेट करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपरली फिर पकड़ेगा नहीं। वो चीज़ें मुझे प्रॉपर दिख रही है, छोटी छोटी चीज़ें
जो है कि हम बड़ी चीज़ें ही लें, छोटी चीज़ भी एक प्रॉपर सेट कर सकते हैं। बस मुझे एक एंगल मिल जाए। अभी ये है SM Y एक्सिस, जो चीजें क्लियर दिख रही वहां पर ही सेट किया जाए तो अच्छा रहेगा। इसको कहां सेट करूं? मेरा परफेक्टली मैच मेरा परफेक्ट पूरी तरह से मैच। इसको पता करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट को मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ मर्ज मेरे दो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल और ये प्लांट। तो मैं जहाँ पर भी रखा ऐसा लग रहा है कि इसी इमेज का ही पार्ट है। वहां पर सेट करता हूं दूर, ओके। इसमें मेरा परफेक्टली मैच हो गया है। ओके ओके, अभी आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस इमेज में मैं मैच शैडो रिफ्लेक्शन का यूज करूँ, जिससे ये थोड़ा और भी रियल आ जाएगा, ताकि इसके शेडो भी गिरेंगे, इसके थोड़े रिफ्लेक्शन भी आएंगे। तो कैसे होगा आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। आगे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।